गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से। शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लीजिए, मैं कक्षा 9 का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 9 गणित, इसमें जो है मैं कुछ उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा। जैसे आपका पहला है सवाल, परिमेयकारी गुणक। मैंने यह खत्म कर दिया था, यह जो आपका चैप्टर समाप्त हो गया था। परिमेयकारी गुणक मैं बताऊंगा, ठीक है। इसे आपका दे दिया √15 को परिमेयकारी गुणक इसका बताइए। ये कह रहा है परिमेयकारी गुणक इसका बताइए, तो √15 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा? तो इसको मतलब जो है ऐसी संख्या बताइए जिससे यह कर्णी 15 खुद जो है एक परिमेय संख्या बन जाए। क्या बन जाए? परिमेय संख्या बन जाए। देख लीजिए, ऐसा जो है संख्या क्या होगा, ऐसा संख्या क्या होगा जो इसको जो है रूट से क्या करे, हटा दे। तो हम जो है इसको क्या करेंगे, यानी वह संख्या होगी कर्णी में 15। क्या होगी? कर्णी में 15। अब जब इसको हटाएंगे तो यह कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्णी में 15 का, कर्णी में 15 का सरलतम परिमेयकारी गुणक, सरलतम परिमेयकारी गुणक कर्णी में 15 होगा, कर्णी में 15 होगा, यह ध्यान दीजिए, जो किसी रूट वाली संख्या को, जो किसी रूट वाली संख्या को परिमेय संख्या बना दे वह जो है परिमेयकारी गुणक कहलाएगा, ठीक है। यह ध्यान देना, यानी कोई रूट की संख्या हो और उसको जो है परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए जिस संख्या से, वह उस परिमेय संख्या का सरलतम कारी गुणक, सरलतम परिमेयकारी गुणक वह कहलाएगा। यह ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका है। आइए देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे आपका देख लीजिए, जैसे आपका है कोई सवाल ले लीजिए। 3 कर्णी में हम जो है कर दे रहे हैं 128। मूल इसका 3 है और रूट में जो है 128 है, तो हम जो है इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनमूल। 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 128 को हम लिख सकते हैं क्या, यानी 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128। देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, देखना है 3 का जोड़ा बनेगा, जोड़ा में से जो है बाहर जाएगा। देखिए, तो जब जोड़ा में से बाहर जाएगा तो इसका उत्तर आएगा क्या, यानी 2 × 2 बाहर जाएगा और 3 या 2 अंदर बचेगा। देखो यहाँ 4 × 3 कर्णी में 2, यानी जो है इसको जो है परिमेयकारी गुणक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको अभी 2 और 2 की जरूरत है, यानी इसमें जो है अगर जो है 3√3 × 2 × 4 का हम गुणा कर देंगे तो यह परिमेय संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा, यानी लिखेंगे हम यहाँ से, देखो यहाँ, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 रहेगा, केवल 2 रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ उपस्थित है, 2 ही हमें 2 चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 3√3 × 128 का सरलतम परिमेय, सरलतम परिमेय कारी गुणक क्या होगा, यानी यह होगा 3√4 होगा, 3√4 होगा, ध्यान दीजिए। यानी यही संख्या है जो इसको, इस रूट वाली संख्या को परिमेय संख्या बना सकती है, जो परिमेय संख्या बना सकती है वही इसका जो है परिमेयकारी क्या होगा, गुणक होगा। आइए एक उदाहरण और देख लीजिए और इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर अपने, ठीक है। देख लीजिए, तो 3 कर्णी में
यानी मूल तीन रूट 128, ठीक है, रूट में 128 इसका सरलतम परिमेय कार्य गुणक होगा, मूल तीन रूट में जो है चार, ये होगा आपका। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, जैसे आपका दे दिया है करा है तीन रूट 16 का परिमेय कार्य गुणक, का परिमेय कार्य गुणक, ध्यान देना एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है, समझिए इसको, कुछ है नहीं इसमें। परिमेय कार्य गुणक यानी तीन रूट 16, मूल तीन रूट में है 16, तो पहले इसको तोड़ दीजिए। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 16 को जो है गुणनखंड कर सकते हो, 2 जो है 4 बार लिख सकते हैं, देखो यहाँ तो इसमें एक जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 2 बाहर कर लीजिए, 2 × 3 देख लीजिए। अब इसका परिमेय कार्य गुणक क्या होगा, देखिए ध्यान दो, हमको तीन तीन का जोड़ा चाहिए, कितने का जोड़ा चाहिए, तीन तीन का जोड़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ, हम कितने का गुणा कर देंगे या रूट हट जाए, यानी तीन रूट में जो है हमारा एक सिंगल बच रहा है 2, तो हमें दो और करना होगा गुणा, यानी जो है तीन मूल तीन और 2 पर कहेगा 2 का गुणा कर देंगे, यही जो है यानी तीन, इसको लिख सकते हो बराबर करके तीन मूल, यानी 2 × 4 यानी यहाँ लिख लेंगे तीन करणी में 16, ठीक है, मूल तीन रूट 16 का सरलतम परिमेय कार्य गुणक, सरलतम परिमेय कार्य गुणक, सरलतम परिमेय कार्य गुणक मूल तीन रूट 4 यानी मूल तीन करणी में 4 होगा। सवाल था आपका, ठीक है, और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे आपके, आइए देख लीजिए, एकदम समझ लीजिए, एकदम सिंपल है, इसी पर पूरा पाठ आपका आधारित है, सब पाठ पूरा आप लगा लेंगे इस पाठ को, एक जी अभ्यास, एक जी जो है पूरा लगा लेंगे, ठीक है, ये समझा दिया गया। आइए आगे देख लीजिए, जैसे है आपका सवाल में, देख लीजिए क्या कर रहा है सवाल में, कर रहा है आगे देख लीजिए, कोई संख्या मान लीजिए दे दिया है आपका 2 करणी में, यानी ले लीजिए दूसरे सवाल या कोई सवाल मान लीजिए 2/5 दिया है, करा है परिमेय कार्य गुणक इसका बताइए। अब ऐसा संख्या बताओ जो इसको परिमेय संख्या में क्या करे, बदल दे, परिमेय संख्या में इसको कन्वर्ट कर दे, तो हम क्या करेंगे, यानी जो है इसमें जो है ऊपर नीचे करणी में 2 का अंश और हर में जो है करणी में 2 का क्या, करणी में 5 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, अब ध्यान देना, तो 2 करणी में 5 यह मूल नहीं है बल्कि बाहर है, क्योंकि बाहर का बाहर गुणा होगा रूट का रूट में, करणी में 5 करणी में 25 का वर्गमूल क्या आएगा आपका, 5 आएगा, 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा, यानी हम लिखेंगे 2/5 का परिमेय कारी गुणक, गुणक, ठीक है, 2 करणी में 5/5 होगा। ध्यान दीजिए, करेंगे नहीं जो है इसका परिमेय कारी गुणक जो है 2 रूट में जो है, ठीक है, करणी में 5/5 यानी रूट में 5/5 होगा, तो कैसे होगा ये देख लिया जाए, आखिर हो रहा है कि नहीं, यानी 2/5 × 5/5 देखो यहाँ ये इंटू में आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे, 2 × 2 = 4 हुआ और यहाँ 5 बचा, देख लीजिए आइए, यानी 4/5 देखो परिमेय संख्या बन गया, परिमेय संख्या आपका यह बन गया, देख लीजिए ये परिमेय कार्य गुणक हुआ कि नहीं हुआ। और इस प्रकार से और एक उदाहरण देख लीजिए, ठीक है, जैसे आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए, आपका कह रहा है सवाल में 3/7 का परिमेय कार्य गुणक,
देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 3/7 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा। देख लीजिए, तो हम जो है 3/7 का जो है हम करड़ी में 7 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कर दीजिए, यानी कितना आएगा आपका 3/7 या देखो 7 जाएगा, तो करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 का जो है 7 का 7 में गुणा करेंगे, करड़ी में 49 का वर्गमूल क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम देखो यहाँ लिख लेंगे 3/7 का परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक गुणक होगा जो गुणक 3/7 होगा। ये ध्यान दीजिए, ये सवाल आपका रहा, इसी पर पूरा आपका पाठ आधारित है, और देख लीजिए, ठीक है, इसी पर पूरा पाठ जो है आधारित है, और पूरा पाठ का जो है हम लगा देंगे। जैसे मैं अब दे दिया, एक सवाल और दे दिया आपका, देख लीजिए, जैसे आपका है, जैसे आपका दे दिया 3/25 का परिमेयकारी गुणक बताइए, समझिए, अब 3/25 का करा है परिमेयकारी गुणक इसका बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं 3/25, ठीक है, वह यहाँ 3 5 पकेगा 2 घात, अगर हमारा यहाँ 3 अगर 5 रहता तो हमारा जोड़ा क्या होता, बन जाता, 3 3 का जोड़ा हमारा घनमूल में बन जाता। तो हम जो है, देखिए यहाँ ध्यान दो, 3 रूट में कितने गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, देखिए 3 रूट में कितने गुणा करेंगे, देखो यहाँ जब यह आएगा तो यह मूल दोनों का समान है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 5 पर 3 घात जाएगा, इसका घनमूल जो है क्या हो जाएगा, आपका घनमूल जो 25 5 125, इसका घनमूल जो है 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 √3 5/2 या 25 का सरलतम परिमेयकारी गुणक गुणक जो है क्या होगा, सरलतम परिमेयकारी गुणक 3/5 होगा, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यह आपका रहा, यह उदाहरण आपका रहा, देख लीजिए और कुछ सवाल हैं, यह आप एकदम समझ लीजिए, ठीक है, इसी के आधार पर पूरा पाठ आपका है, ठीक है। जैसे मैं दे दिया आपका करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 8 का परिमेयकारी गुणक बताइए, क्या बताइए, परिमेयकारी गुणक बताइए, ये करा है तो करड़ी में 8 का आप जो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कितना आया, करड़ी में 3 गुणते वह यहाँ करड़ी में 8/2, देखो यहाँ 8 हो जाएगा, तो यह करड़ी में क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 24/8, देखिए परिमेयकारी गुणक होगा यह, ठीक है। जब इसमें इसका गुणा करेंगे, ठीक है, परिमेयकारी गुणक में जैसे इसमें इसका गुणा जब किया जाएगा तो यह जो है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है, तो हमारा जो है परिमेयकारी गुणक क्या होगा यहाँ, ठीक है, यानी यह परिमेय संख्या आपका हो गया, लेकिन ये ध्यान दीजिए, और आपका क्या आया, करड़ी में 24, ठीक है। तो अगर जो है हम यहाँ से कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ से कर दें करड़ी में 3 × 8, ठीक है, अब 8/2, ठीक है, देख लीजिए, यानी इसमें जब यह गुणा किया जाएगा, ध्यान देना आप, करड़ी में 3/8 × करड़ी में 3 × 8 कर दिया जाए और 8/2, देखिए करड़ी में 8 से करड़ी में 8 कट गया, 3 का 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, करड़ी में 9 का वर्गमूल, यहाँ देखो 8 आ गया, 3/8 आएगा, 8, ये सवाल आप करा, देख लीजिए,
कोई दिक्कत हो तो बताइए। और इस तरह से मैं अभ्यास एक जी का पाठ पूरा समाप्त करता हूँ, आप इसी पर पूरा आधारित क्वेश्चन है सब पूरा लगा लेंगे। धन्यवाद। ठीक है।